केंद्र सरकार के लाए गए नए कृषि सुधार और श्रम कानूनों को लेकर रायपुर में सोमवार को हाई पावर कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित के लिए नया किसान कानून बनाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस संबंध में बताया है कि संविधान में कृषि कानून राज्य सरकार का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के हित के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। प्रदेश में किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अपना खुद का कानून बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चार कानून बनाए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम किसानों का धान 2500 रुपया क्विंटल में खरीदते हैं, वो महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम प्रभावित होने वाला है। हम किसानों की जो मदद करना चाहते हैं वो मदद शायद नहीं हो पाएगी। हमारा जो गरीबों का चावल 1 रुपये किलो देने का प्रोग्राम है वो भी उन कानूनों के तहत तकलीफ में पड़ जाएंगे। केंद्र के कृषि कानून से प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था प्रभावित होती है, जिसे देखते हुए नया कानून बनाकर किसानों के धान खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के किसानों, विशेषकर छोटे और मध्यम किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। DCP 24 न्यूज के लिए रोहित बर्मन की रिपोर्ट।